तो ये हमारी गाड़ी जी पार्किंग में खड़ी है, और ये यहाँ ऊपर आने का रास्ता था, ये नीचे हाईवे है। तो ये देख सकते हैं आप, ये चुमाथांग का हॉट वाटर स्प्रिंग है और इसके अंदर से ही नीचे से ही पानी निकल रहा है। तो हम यहाँ पे रिजॉर्ट वालों ने सिर्फ जो है यहाँ पे एक होदी सी बना दी है जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे पंप लगाए हुए हैं जिनसे ये पानी जो है बाथरूम के टब्स में पुश किया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये बाकी एरिया जो है मार्केट का, आपको यहाँ भी भाप आती हुई दिख रही होगी। ये देखिए दो जगह से यहाँ पे भाप आ रही है। ये बाकी और दो हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ से पानी गर्म निकल रहा है। तो क्या मजे आ रहे हैं गर्म पानी सल्फर पानी में नहाने के। सल्फर पानी में मजा आ गया। आपको मजा आ रहा है रूटी? चलो अंदर घुस जाओ फिर। इसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो ये पानी होता है ना इससे, हाँ, इसको मुंह पे नहीं लगाते, आइस में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और 20 मिनट से ज्यादा इसमें रहना भी नहीं चाहिए। मजा आ गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चुमाथांग। तो एक नए दिन की शुरुआत, आज बहुत फ्रेश हो गए हम लोग यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग में नहा के, रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हो गई बॉडी पूरी, पेन सारे निकल गए हैं, ऐसा लग रहा है स्पा करा लिया हमने। हाँ, तो अभी ब्रेकफास्ट खाया जा रहा है और फिर आज का प्रोग्राम रहेगा। यहाँ से अभी हम लोग आज निकलेंगे कारू के लिए, यहाँ पे हमारे मित्र जो है विवेक जी जो कारवा भारत वाले सर हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, कैंप कर रहे हैं विलेज में, तो आज उनके साथ जाके मुलाकात करेंगे। तो हम निकल चुके हैं चुमाथांग से, और ये देखिए साइड व्यू कितना सुंदर है, इंडस रिवर साथ साथ हमारे जा रही है। एक हम विलेज से निकल रहे हैं, ये देख सामने कितने अजीब से पत्थर के ऊपर देख कैसे, हाँ, ब्रिक्स लगाई हुई है, क्यूनगम विलेज है ये। हाँ, वो चीज दिखा ज़ूम करके थोड़ा, आई थिंक वो पत्थर को ना वो किया है इन्होंने सीमेंट के साथ है, जिसके साथ हाँ टिकाए हुए बड़े अच्छे, डेकोर किया है, डेकोर नहीं ऊपर मोनेस्ट्री बनाई होगी पहले, हाँ, कुछ तो किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ना एक गुफा सी है, शायद अंदर कुछ टेंपल है क्योंकि इन्होंने प्रेयर फ्लैग्स भी लगाए हुए हैं। पहाड़ के बिल्कुल अंदर रहे हैं, ऊपर जाने का रास्ता भी छोटा सा ब्रिज बनाया।
चंडीगढ़, मनाली, सरचू, तांगलागला और सीधे जाता है लेह कारगिल। हाँ, अच्छा, ये यहाँ से वो मनाली का रास्ता आके जुड़ता है। ओके, तो ये हम पहुँच गए उपशी विलेज में और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। तो जी ये देखिए, पुनर्मिलन हुआ है, पुनर्मिलन हुआ है ले बाजार के अंदर। सर कैसे हैं आप? सर ऑल ग्रेट। आटा ले दे राशन, खाना। तो यहाँ पे था जी ले फेस्टिवल हो रहा है, तो यहाँ पे है मास्क डांस और पूजा भाभी से पुनर्मिलन। नमस्कार भाभी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बड़ा खुश हूँ। फेस्टिवल का ही फील आ रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर फेस्टिवल फील है सर। अभी चेंज लग रहा होगा ना? हाँ, जब जीरो आए थे ना तब मास्क सब आधा बंद काम कर रहे थे, अभी पूरा एंटर करने में बड़ा। Thank you.
तो डिसाइड हो गया है कि हम ये जो एक लोकल स्टॉल लगा हुआ है आंटी का, यहाँ पे हम मोमोज खाएंगे गरम गरम वेज। और हमारे लिए आप ये देखिए कितना बेहतरीन जो है अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पे टेबल्स लगाई गई हैं, छोटी छोटी कारपेट बिछाई गई है और यहाँ पे बैठ के हम मोमोज खाएंगे। ये देखिए जी, हमारे लिए गरम गरम वेज मोमोज डाले जा रहे हैं बिल्कुल स्टीमर में से निकाल के, दीदी डाल रही है हमारे लिए। अच्छा ये ना इनके लोकल वाले आटे, हाँ, मैदा वाले नहीं, मैदा वाले, मैदे वाले पहले खा लो। अच्छा अभी मैं तेरे को चिकन वाले खिलवा दूंगा, पहले चिकन मोमोज वैसे कल तोड़ेगा मेरा, चिकन खा जाएगा मोमोज। अच्छी है तो मस्त है। तो आज जो है वो लद्दाख फेस्टिवल का दूसरा दिन है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा स्ट्रीट पे आज लोकल कुजीन मिल रहा है और इतना अच्छा कल्चरल माहौल बना हुआ है आज ले मार्केट के अंदर, ये आप पूरा देख सकते हैं साथ साथ मेरे। ऊपर नहीं जाना इधर आ जाओ। तो हमारी लेडीज जो है ये घुस गई हैं अंदर, बहुत अच्छी एक शॉप में। कॉटन पे भी आती है, सूट सूट से आता है, सूट से सिल्क में आता है, कॉटन में आता है। ये क्या है? ये सूट है कॉटन, ये वो कहानी वर्क का है, कहानी वर्क का कॉटन। तो ये क्या प्राइस? 650 सर। कुछ हुए क्या क्यों तो जी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि पारुल और रुद्रा कहाँ पहुँचे हुए हैं। रुद्रा पारुल को ले आया है एक टॉय शॉप पे और जिद पे अड़ा हुआ है कि मेरे को टॉय चाहिए। तो लद्दाख फेस्टिवल के तहत ये आज यहाँ पे एक बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी लगी हुई है, दिस इज़ फॉर सेल ऑल्सो। अगर आपको कोई फोटोग्राफ्स पसंद आती हैं तो आप उनको खरीद भी सकते हैं। तो हमारी लेडीज़ की जो सबसे पहली जो डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है ज्वेलरी, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, ज्वेलरी मार्केट। और हमारी लेडीज़ पहुँच गई हैं उधर मार्केट में। पारुल को कुछ पसंद आ गया है, पारुल क्या पसंद आ गया भाई? ग्रीन वाला पर्स ले लो यार, अरे बहुत अच्छा खूबसूरत है वो। ग्रीन ग्रीन नहीं नहीं ग्रीन एंड व्हाइट, हाँ ग्रीन एंड व्हाइट वाला। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, करो दिखाओ इधर दिखाओ, बढ़िया गुड। तो आपने देखा किस तरह हम विवेक जी से, पूजा भाभी जी से और बच्चों से दोबारा मिले और हमने ले मार्केट में लोकल कुजीन एंजॉय किया, लोकल खाने का मज़ा उठाया और थोड़ी बहुत घूमने के बाद, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद अब हम सारे मिलके चल पड़े थे एक और इवेंट देखने जो पोलो ग्राउंड में होने जा रहा था। तो ये इवेंट हम आपसे साझा करेंगे अपने अगले व्लॉग में और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे हमने और क्या क्या किया।
तो तब तक दिल थाम के बैठे रहिए और थोड़ा सा इंतजार हमारे अगले ब्लॉग का। और आप सबसे फिर से अनुरोध है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तब तक जय हिंद, जय भारत।